हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्योर ईवी कंपनी की ओर से आने वाली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ई प्लूटो 7G के बारे में। प्योर ईवी नाम सुनकर आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई चाइनीज कंपनी होगी। प्योर ईवी हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी है जो कि इंडिया में काफी अच्छा काम कर रही है। इनकी ये ई प्लूटो 7G स्कूटर रेट्रो थीम लुक के साथ आती है। लुक के हिसाब से ये स्कूटर काफी अच्छी लगती है, लेकिन क्या प्राइसिंग के हिसाब से इसके स्पेक्स भी अच्छे हैं? तो आज हम इसी स्कूटर के बारे में बातें करेंगे, देखेंगे क्या है इसकी स्पेक्स, इसके प्लस और माइनस पॉइंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें मोटर स्पेक्स की, तो इसमें हमें 1500 वॉट का मोटर देखने को मिलता है जो कि 2200 वॉट की पीक पावर अचीव कर लेता है, जिसके कारण इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इस स्कूटर में हमें टॉर्क भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। 0 to 40 की स्पीड ये स्कूटर सिर्फ 5 सेकंड में अचीव कर सकती है। इसकी ग्रेडेबिलिटी है 12 डिग्री। मैं आपको बता दूं, आमतौर पर हमें मार्केट में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने को मिलती है, जैसे ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक या किसी भी और कंपनी की स्कूटर्स की बात करें, तो वहां पे ग्रेडेबिलिटी होती है 7 डिग्री, यहाँ पे ग्रेडेबिलिटी है 12 डिग्री। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। ग्रेडेबिलिटी से यहाँ पे मतलब है चढ़ाई करने से। ये स्कूटर 12 डिग्री तक की चढ़ाई आराम से कर सकती है। इसमें हमें 2.5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है जो कि लगभग 4 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है। यहाँ पे BMS भी है, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS के कारण बैटरी फुल चार्ज होने पर चार्जर अपने आप पावर कट कर देगा, जिससे शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा नहीं होगा। इसकी बैटरी मेटल केसिंग के साथ आती है और ये वाटरप्रूफ प्लस शॉक प्रूफ है। एक बार फुल चार्ज होने पर यह बैटरी अप टू 120 किलोमीटर तक का रेंज दे देती है। इसमें हमें 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट मोड में इसकी टॉप स्पीड होगी 35 किलोमीटर और रेंज हो जाएगी 120 किलोमीटर। सेकेंड मोड में इसकी टॉप स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर और रेंज घटकर हो जाएगी 110 किलोमीटर। थर्ड मोड में इसकी टॉप स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर और इसकी रेंज घटकर हो जाएगी 85 किलोमीटर। यहाँ पे हमें फ्रंट में और रियर में 90x100 सेक्शन के 10 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं जो कि सीएट कंपनी के हैं। फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे EBS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम भी है, जिससे होता यह है जब आप गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मोटर अपने आप पावर कट कर देता है। बाकी कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे USB चार्जिंग, रिमोट कंट्रोल, रिमोट लॉक और एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें हमें फ्रंट में 5 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। इसके एक प्लस पॉइंट की बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के कारण आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे पैसे बचाने वाला काम किया गया है। आपको पूरी बॉडी में फिट एंड फिनिश के साथ काम दिखेगा। इसकी जो पेंट की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ये स्कूटर काफी अच्छी और मजबूत है। इसके एक माइनस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे स्कूटर में कुछ खास कमी तो नहीं है, बस जो टायर साइज है वो 10 इंचेस के बजाय 12 इंचेस के होते तो अच्छा रहता। और दूसरा, यहाँ पे अगर मोबाइल कनेक्टिविटी का फीचर मिलता तो वो और भी अच्छी बात होती। बाकी और तो मुझे इस स्कूटर के बारे में डिसएडवांटेज नहीं दिखा। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो वो है 79,990 रुपीज। इसकी बैटरी में हमें 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी देखने को मिल जाती है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो आपको ये स्कूटर कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपकी सिटी में स्कूटर अवेलेबल है तो आप खरीद सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडिया में अवेलेबिलिटी एक काफी बड़ी इशू है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक बाइक हो या इलेक्ट्रिक स्कूटर। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, कुछ कंपनीज पूरे इंडिया में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच रही हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदनी है तो आप इंडिया में कहीं पे भी खरीद सकते हैं। इसके लिए मैंने टॉप 6 ऐसी स्कूटर्स के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर सिटी में अवेलेबल है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका मेरे लिए कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।